उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी शिक्षार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल UOU लाइव में। जो आज का हमारा ये सेशन होने वाला है ये हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें हम वर्कशॉप करते हैं, तो स्टूडेंट्स के मन में कई बार बहुत से क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं ताकि उनके उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर समाधान हो सके। तो इन प्रश्नों के समाधान के लिए हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर रुचि तिवारी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री जोशी। तो होपफुली कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहने वाला है हमारे लर्नर्स के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप की, तो हम वर्कशॉप साइकोलॉजी में करवाते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में वो क्या क्या हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि हमारे लर्नर्स को पता ही है कि हम जब अगर मैं UG से शुरू करूँ, हमारे ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करूँ, तो NEP में जो हमारे पेपर्स हैं जैसे BA PY 101, तो उसी में हमारा प्रैक्टिकल इंक्लूडेड है। तो उनके लिए तो कोई अलग से कोड नहीं है, सेम कोड में वो उस पेपर को देते हैं, ठीक है, उसी में मतलब उनका प्रैक्टिकल इंक्लूड है। लेकिन अगर हम ईयरली प्रोग्राम की बात करें जो हमारा पहले से चल रहा है, तो उसमें हर ईयर में जैसे हमारा जो ईयरली कोड है फर्स्ट ईयर का BA PY, तो जो उसका प्रैक्टिकल है वो 103 है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर है फर्स्ट ईयर में वो है BA PY 103। सेकेंड ईयर में इसी तरीके से सेकेंड ईयर में जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है वो है BA PY 203। और थर्ड ईयर में हमारे ग्रेजुएशन में जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है उसका कोड है BA PY 303। इसी तरीके से अगर हम PG लेवल की बात करें, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं है, केवल 4 थ्योरी पेपर हैं। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हमारे जो आपका 509 है, MAPSY 509, ये आपका प्रैक्टिकल कोड है। इसकी कोई इसमें क्या है कि जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर दिखेंगे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको 5 पेपर दिखेंगे जिसमें कि MAPSY 509 आपका प्रैक्टिकल है। इसी के साथ जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो 4 पेपर दिखेंगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में हम फिर से एक प्रैक्टिकल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें, तो 609 जो है वो हमारा MAPSY 609 हमारा प्रैक्टिकल का कोड। यानी कि PG प्रोग्राम में 2 सेमेस्टर में सेकंड और फोर्थ प्रैक्टिकल्स बिल्कुल हैं। अच्छा, कई बार मैंने बहुत से लर्नर्स को ये क्वेश्चन करते हुए सुना है, तो इसका भी आप आंसर दे दीजिए कि जैसे उनको बुक्स प्रोवाइड कराई जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बहुत बार लर्नर्स ये कहते हैं कि हमें जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है 509 की बात हम कर रहे हैं जी, तो प्रैक्टिकल पेपर्स की हमको बुक नहीं मिलती है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आप समाधान कीजिए कि उन्हें बुक क्यों नहीं मिलती। बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो थ्योरी पेपर हैं उनका आपको SLM प्रोवाइड होता है, स्टडी लर्निंग मटेरियल, क्योंकि वो उसमें थ्योरी पेपर देने हैं। लेकिन जो हमारा MAPSY 509 है या 609 है, इसमें क्या है कि ये आपका प्रैक्टिकल है, तो इसकी कोई बुक नहीं बनाते हैं, इसकी कोई SLM नहीं बनता है, इसकी हम वर्कशॉप कराते हैं। हर आपका सेकेंड सेमेस्टर में 5 दिन की वर्कशॉप होती है, उन 5 दिन में आपका 10 to 4 हम अपना टाइमिंग रखते हैं वर्कशॉप का, वो 5 दिन आपको वर्कशॉप अटेंड करनी होती है। उसी वर्कशॉप में हम आपको सारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो डिटेल में समझाते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें वहाँ पर डिटेल में आपको समझाई जाती हैं कि कौन सा प्रैक्टिकल किस थ्योरी से रिलेटेड है और उसका क्या उपयोग है आपके साइकोलॉजिकल लाइफ में या आपकी डेली लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा जो आप कह रही हैं कि वर्कशॉप होती हैं, तो वर्कशॉप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाती है स्टूडेंट्स को? बिल्कुल, जो हमारी वर्कशॉप होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम कई तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पहला तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की UOU.EC.IN, इसमें हम अपलोड करवा देते हैं जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, जो भी नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जारी किया जाता है वो वेबसाइट पे 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा हमने पर्सनली मतलब हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं
हम हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल उस क्लास में प्रैक्टिकल हो या ना हो, लेकिन जितने भी हमारे प्रैक्टिकल वाले ग्रुप्स हैं उनमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आपकी वर्कशॉप कब से शुरू हैं, कितने दिन की हैं, कब कब आपके सेशंस होने हैं, कैसे होने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको ग्रुप में प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से अपने लर्नर्स की मेल आईडी मांग करके उनको पर्सनली मेल भी भेजते हैं डिपार्टमेंट की आईडी से या पर्सनल आईडी से कि उन लोगों की वर्कशॉप इतनी तारीख से स्टार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षार्थियों को समझने वाली बात ये है कि एक तो आप अपना जो ईमेल आईडी है और अपना नंबर है वो सही सही प्रोवाइड करवाएं, बिल्कुल, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके अगर वो वेबसाइट चेक नहीं कर रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि जो हमारा लर्नर है वो अपना मोबाइल नंबर ना दे करके अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर दे देता है या अपने किसी रिलेटिव की ईमेल आईडी दे देता है और यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन जाती है लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, क्योंकि ना तो वो पर्टिकुलरली वेबसाइट को चेक कर रहे हैं ना वो उनके नंबर और ईमेल आईडीज भी उन्होंने दूसरे की दे रखी है, तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इसके लिए एक बहुत सीधा सा जरिया है कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसे आप सब्सक्राइब अगर कर लें तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और उसमें आपके आपके डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन होगा उसको आप इजीली देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है कि जो बाकी थ्योरी के पेपर्स हैं उनके लिए तो पता है कि कितने मार्क्स के पेपर हैं, क्या कैसे इसका मूल्यांकन होने वाला है, तो जो ये प्रैक्टिकल्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वाइवा होता है, इसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है? बिल्कुल मैम, इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा है, 60-40 का रेशियो रखा है। 100 मार्क्स का ये आपका पेपर है जो वाइवा, जिसे हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं, इसके भी पूरे 100 मार्क्स हैं जिसमें से 60 मार्क्स जो हैं वो आपके वाइवा के होते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के वाइवा लेता है, और 40 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं दो चीज़ों में, आपकी वर्कशॉप जो आपने अटेंड की है, जो आपकी वर्कशॉप हो रही है 5 डेज की, उसमें आपने कितना मतलब उसे अटेंड किया है कि नहीं उस पर बेस होता है। दूसरा, आपको उस वर्कशॉप के बेस पे फाइल अपनी एक बनानी होती है, जिस तरीके से हम बताते हैं कि टेस्ट करने, एक्सपेरिमेंट करने, ये सारी चीज़ें, तो वो जो फाइल प्रिपेयर होती है उसके मार्क्स होते हैं। तो अगर आप मान के चले तो 40 मार्क्स आपके वर्कशॉप और फाइल के होते हैं और 60 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं। ठीक है मैम। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि वर्कशॉप अटेंड करना ज़रूरी है, तो कुछ ऐसे नियम हैं कि कितनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए या फिर क्या इसका क्राइटेरिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्राइटेरिया UGC द्वारा ही डिसाइड किया गया है कि 75% अटेंडेंस जो है वो होनी ही चाहिए। बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपको साइकोलॉजी सीखनी है, आपको पता करना है कि भाई कैसे किसी चीज़ को मेजर किया जाता है, तो आपकी जो अटेंडेंस है वो 100% होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप किस तरीके से इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, तो जो कार्यशाला का संपादन हो रहा है, क्या वो ऑफलाइन मोड पे हो रहा है या किस तरीके से कार्यशाला का संपादन किया जाता है? बिल्कुल, एक्चुअली कोविड से पहले तो ऑफलाइन होती थी वर्कशॉप्स, लेकिन आफ्टर कोविड सिनेरियो अभी चेंज नहीं हुआ और वो ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो हमारे जो लर्नर्स हैं वो ऑनलाइन जूम पे ही जुड़ते हैं और हम जूम पे ही उनको वर्कशॉप कराते हैं और उसी में जो है वो हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा अभी आपने ये कहा कि जो वर्कशॉप होती है इसमें प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सिखाए जाते हैं, तो उसकी फाइल बनानी पड़ती है, तो क्या वो फाइल वगैरह आपको यूनिवर्सिटी भेजनी होती है? हाँ बिल्कुल, देखिए फाइल बनाने का एक क्राइटेरिया है, जैसे हमारा जो सिलेबस है, आपको सिलेबस मिल जाएगा MAPSY 509 का और MAPSY 609 का, तो उसमें सिलेबस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दो भागों में बटा हुआ है हमारा सिलेबस, टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। पार्ट वन में हमारे टेस्ट हैं, पार्ट टू में हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो हमारे को जो जो हम अपने लर्नर्स को बताते हैं वो ये है कि पार्ट वन में से आपको 3 प्रैक्टिकल करने हैं, मतलब 3 टेस्ट करने हैं फाइल में, 3 एक्सपेरिमेंट करने हैं फाइल में, और टोटल 7 करने हैं। अब जो एक बचता है वो उस पर डिपेंड करता है हमारे लर्नर पे कि वो टेस्ट को लिखना चाहता है अपनी फाइल में या एक्सपेरिमेंट को लिखना चाहता है। और टेस्ट और एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से फाइल एक कंप्लीट करनी होती है टोटल 7 प्रैक्टिकल्स के साथ, और वो फाइल जो है बना करके आपको
हमारे यहाँ जो हेड ऑफिस है हल्द्वानी में, तीन पानी में, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में आपको भेजनी होती है। अगर आप हल्द्वानी में रहने वाले हैं तो आप बाय हैंड यहाँ जमा कर सकते हैं। अगर आप शहर से बाहर रहते हैं, हल्द्वानी से बाहर रहते हैं, तो आप बाय पोस्ट उसे भेज सकते हैं। ठीक है मैम। इसके अलावा जो कार्यशाला होती है, वर्कशॉप आप करवा रहे हैं, तो वर्कशॉप से वाइवा के बीच में 5 days की आपकी वर्कशॉप है, उसके बाद आप वाइवा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कितना टाइम मिलता है स्टूडेंट को फाइल प्रिपेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे लर्नर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो हम उनको मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्कशॉप के कुछ 15 दिन बाद अगर वाइवा होना है तो हम 10 days का उनको टाइम देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बीच में एग्जाम्स वगैरह पड़ जाते हैं तो उनको लंबा टाइम भी मिल जाता है। जैसे इस बार की कार्यशाला में हमने उन्हें करीब करीब 1 महीने का टाइम दिया है, तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है। और वाइवा की डेट तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से आती है, तो वो तो उनके अकॉर्डिंग जैसी वो डेट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको फाइल का बताते हैं कि किस कितने टाइम में बनानी है। बिल्कुल। तो सभी शिक्षार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि जो भी आपके प्रश्न थे, जो भी सवाल आपके जहन में उठ रहे थे कि कैसी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, उन सारे ही प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। तो इसी तरीके से हम आते रहेंगे आपकी सारे प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के। यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।